हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो सिमर जी का है। सर, आई हैव डन बीए विद पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इलेक्टिव इंग्लिश विद 76%, माय आईएलटीएस स्कोर इज 6.5 ओवरऑल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेलेवेंट है सर मेरी स्टडी नाल, प्लीज़ रिप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत जाने कह रहे हैं कि कोर्स रेलेवेंट नहीं है। देखिए सिमर जान, जितने भी बच्चे कन्फ्यूज हैं अपने कोर्स को लेकर, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करते हो ना, आपने दो चीज़ें देखनी होती है। एक होता है डायरेक्ट रेलेवेंट, जैसे आपने अगर बीएड किया है तो आप एमएड में एडमिशन ले लिया, आपने बीबीए किया है तो एमबीए में एडमिशन ले लिया, तो ये डायरेक्ट रेलेवेंसी बनती है। दूसरे होते हैं जनरल प्रोग्राम। जनरल प्रोग्राम में जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जब मैनेजमेंट के कोर्स आ जाते हैं उस कैटेगरी में, ये रहता है कि आप जब मैनेजमेंट का कोई कोर्स करते हैं, जब अगर आपने पहले बैचलर किया है, जैसे आपने बैचलर किया हुआ है, तो आप मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के जो कोर्स हैं बैचलर के बाद सभी के लिए जनरल कोर्स होते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आ रहे हैं, आपने मेडिकल किया हुआ है, आपका नॉन मेडिकल का डिग्री है, आप इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से आ रहे हैं, आप मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जा सकते हैं। आप एमबीए कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह के जो कोर्स होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। जो भी पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी इस बैचलर के साथ रेलेवेंट नहीं है, वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कॉमन कोर्स है, जनरल कोर्स है, कोई भी बच्चा ले सकता है। आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं 9551760001 पे। कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आपको इमीडिएट आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारी YouTube की किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट Q&A सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।